Assalamualaikum everyone, welcome back my channel My Parrot Wi-Fi and Me। आप सबका फिर से एक बार वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के बर्ड्स पैरोट बहुत कमज़ोर पड़ गए, बहुत दुबले पतले हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बस यही है कि बेबी पैरोट को हेल्दी कैसे बनाएं। अगर आपका बेबी पैरोट अनएक्टिव है, हेल्दी नहीं है, तो उसे हेल्दी कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरी वीडियो को एंड तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एंड फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आप मुझसे बर्ड्स और पैरट के रिलेटेड कोई भी बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक बात बता दूं कि बेबी पैरट को कुछ भी होता है, अगर वो सुस्त पड़ जाते हैं, अनएक्टिव हो जाते हैं, बुखार जुकाम या कोई भी प्रॉब्लम, इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही गलती होती। जी हाँ, आपकी ही गलती, क्योंकि हम जब से बेबी पैरोट लेकर आते हैं उसके साथ हम जैसे उसके डाइट रखेंगे, अच्छा खिलाएंगे तो वो अच्छा ही रहेगा, या फिर हम कुछ ऐसे वैसे खिला देंगे उसको जो उसको अनहेल्दी है, उसको सूट नहीं करता हो, थोड़े दिन के बाद या थोड़ा देर के बाद आपको खुद पता चल जाता है कि ये सही नहीं है और वो इफ़ेक्ट उनके बॉडी पर दिखने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है उसकी। अब अगर वैसे ध्यान रखोगे तो आप उसको हेल्दी बना पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये उनके डाइट का ख्याल रखना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि उनको क्या फूड देना चाहिए, क्योंकि पैरोट के लिए मेन होता है फीड। क्योंकि फीड आप सही दोगे तो उसकी वजह से आपके पैरोट सही फीड से हेल्दी होंगे और गलत फीड से अनहेल्दी हो जाएंगे। फीड तो दे देते हो बट आपको पता ही नहीं वो सही है गलत है, फिर उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, उसको पचेगा ही नहीं, उसके पेट में प्रॉब्लम हो जाएंगी, लूज मोशन हो जाते हैं, कई टाइप से उनको प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से वो और दुबले पतले हो जाते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फीड का ध्यान रखना कि आपको फीड क्या देना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अनहेल्दी फूड फीड कभी नहीं देना, जैसे कि घर का खाना हो गया, दूध वगैरह, रोटी दाल चावल मसाले वाला तला भुना, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। मैंने अपनी अदर वीडियोस में भी ये बताई हूँ कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और हैंड फीड पे होगा तो आपको सत्तू या चना दाल ये तो बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर वो बेबी पैरोट हैंड फीड पे होगा तो उसके लिए आप बेबी पैरोट फॉर्मूला लेकर आ सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपने बेबी पैरोट को टाइम टू टाइम फीड कराना है, उसका एक टाइम फिक्स रखना है, उसी टाइम पे आपको फीड कराना है। अगर आप उनको टाइम टू टाइम फीड कराते हो तो उनके बॉडी को लग जाता है, खाया हुआ पच जाता है। और परफेक्ट फीड कराना भी ज़रूरी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फीड कराते हो तो ओमेटिंग हो जाती है, उसकी वजह से उनको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपको फीड तो टाइम टू टाइम करानी है, प्लस परफेक्ट करानी है। और आपको जानना है कि बेबी पैरट को दिन में कितनी बार और क्या फीड कराना है, तो उस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कम भी फीड नहीं करानी है, फिर आप लोग क्या करते हो टाइम टू टाइम भी नहीं देते हो, तो ऐसी कोई भी मिस्टेक, ऐसी कोई भी लापरवाही नहीं करनी है आपको। अगर आप बेबी पैरट लेकर आए तो आपको पता होना चाहिए उन्हें क्या, कब और कैसे फीड करानी है। तो प्लीज़ वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगी हुई, आप वो भी जाके वॉच कर लें। फिर उनके बॉडी को सूट नहीं करता, फिर उनमें 10 प्रॉब्लम हो जाती है, 10 बीमारी हो जाती है, वो ना हेल्दी हो जाते हैं। ये सब आपकी गलती की वजह से होता है, क्योंकि आप उन्हें अपने घर लेकर आए तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसको कैसे रखना है, कैसे फीड देनी है, क्या देना है, कैसे करना है। इसलिए आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अच्छी फीड कराते होंगे, ठीक है, मतलब हेल्दी फीड कराते होंगे, फॉर्मूला फीड कराते होंगे, बट फिर भी उनको टाइमिंग नहीं पता, कितना मिली देना है वो नहीं पता, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टाइम फिक्स करना। आपको अपने भी पैरट को अगर खाना खिलाना है, फीड कराना है, तो आपको पहले टाइम फिक्स करना पड़ेगा। आपका भी पैरट कुछ दिन का है, कुछ 2 मंथ का है, 3 मंथ का है, एटलीस्ट 3 मंथ तक तो हैंड फीड कराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कब तक कितना कैसे फीड कराना है। तो ये नॉलेज आपको मेरी वीडियो से मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक मेडिसिन बताती हूँ, लीव 52, जो आपको उनकी फीड में
ऐड करनी है मल्टीविटामिन की ये मेडिसिन है जो आपको ऐड करनी है, जिससे भी इनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ग्रो करने में। 2 ड्रॉप आपको दिन में 2 टाइम देनी है। अगर आप 4 बार फीड करा दो तो आपको 2 बार फीड में वो ऐड करना है। बस इस तरीके से अपने पैरट की टेक केयर करें। बाकी डेलिकेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। होप सो आप ये सारे चीज़ें फॉलो करें, आपका भी पैरट ग्रो भी करेगा, हेल्दी भी रहेगा और एक्टिव भी रहेगा। और आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको थोड़ी भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो। सो जैसा कर लें एवरीवन।